कोरोना नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर के अग्रवाल। जब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आप देते हैं तो मेरे शरीर में अगर ये वायरस है तो ये वायरस को सेल में एंटर करने नहीं देगी, वायरस को कॉम्प्लिकेशंस नहीं करने देगी, साइटोकाइन स्टॉर्म को ये रोक सकती है, मोर्टैलिटी को कम कर सकती है। लेकिन जितने भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं वो बहुत महंगी होती हैं। अब जैसे इन्फ्लेक्सीमैब है, 1 लाख का इंजेक्शन है, आपको वो बार बार लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है। लेकिन जो अभी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज चल रही है वो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का। मैं मोनोक्लोनल की बात कर रहा हूँ, पॉलीक्लोनल की बात नहीं कर रहा। एक पर्टिकुलर एंटीजन से आप इसकी दवाई बना रहे हो एंटीबॉडी। तो जैसे HIV के ऊपर में कुछ ट्रायल चल रहा है, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस के ऊपर में कुछ काम चल रहा है, इसके ऊपर में रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस की दवाई तो FDA ने अप्रूव भी करती है। तो कुछ जो वर्क चल रहा है एक्सपेरिमेंटल वो है कि एंटीबॉडीज हम बनाएं जो वैक्सीन की तरह काम कर सके। देखेंगे इसका ह्यूमन ट्रायल क्या बोलता है।